गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। शरीर को ढीला छोड़िए और गहरी सांस के साथ इस मंत्र को बहुत शुद्ध भाव से अपने रोम रोम में महसूस करिए। गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। सांसों को ऐसे लेना है कि जैसे ही आप इनहेल करें, आपको सांस अपने नाभि तक, अपनी नेवल तक महसूस हो। और सांस ले रहे हैं तो नेवल यानी स्टमक को फूलना है, और जब सांस छोड़ते हैं तो स्टमक को फ्लैट होना है। बहुत गहरी सांस के साथ ये मंत्र जो आज आपको आपके शरीर के हर एक दर्द से, आपके शरीर में जहाँ पर भी पीड़ा है वहाँ से परमानेंटली हील करने आया है, इस मंत्र को, इस ध्वनि को महसूस करिए। इस मंत्र को, इस ध्वनि को महसूस करिए। गहरी सांस के साथ पूरा का पूरा ध्यान इस ब्रह्मांड में, इस धरती माँ पर, इस पूरे यूनिवर्स पर, इस गैलेक्सी पर लेकर जाइए। महसूस करिए कि आपके सिर के ऊपर एक बहुत विशाल शक्ति, और उस शक्ति से जो कि ओवल शेप की है, महसूस करिए जिसे ओम की वर्षा हो रही है। और जैसे जैसे उस ओवल शक्ति से ओम की वर्षा होती है, जल की हर एक बूंद में ओम ही ओम को महसूस करिए। और जैसे जैसे वर्षा होती है, आपका पूरा शरीर इस ओम से भीगता जा रहा है। अपने सिर के ऊपर से महसूस करिए कि आपके हर एक बाल में इस ओम के वर्षा का जल रिस रहा है। आपका हर एक बाल इस ओम से गीला हो चुका है, और आपके बालों द्वारा जो आपके सिर पर हैं, आपके समस्त शरीर पर हैं, रोम रोम में मन ओम ही ओम का स्पंदन, और अभी ओम इन बालों द्वारा आपके शरीर के अंदर रोम रोम में हरेक रोम में इस ओम को महसूस करिए जो आपके शरीर के अंदर धीरे 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 जाता जा रहा है। और जैसे जैसे ये बालों द्वारा, बालों में जहाँ आपका डीएनए है, ये बाल जो आपको हर वक्त हील करते हैं,
आज इन समस्त शरीर के रूहों को, बालों को प्रणाम करिए और महसूस करिए कि इनके द्वारा आपके रोम रोम में ओम ही ओम बसता चला जा रहा है। अब पूरा ध्यान सिर के ऊपर लेकर जाइए और महसूस करिए कि आपके पूरे सिर में ये मंत्र, ये तुलसा मंत्र, जो हमारी सभ्यता में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसा की महत्वता बताई, कार्तिक के महीने में तुलसा का बहुत महत्व है। आज हम मन से, स्तन से उस तुलसा के वृक्ष को प्रणाम करते हैं। तुलसा जिसके बिना कोई भी परमात्मा कोई भोग को ग्रहण नहीं करता, इसीलिए हम उसको भोग में जरूर अर्पण करते हैं। आज इस मंत्र से ओम के साथ वो जो परमात्मा, वो जो इस शरीर में रोम रोम में बसा है, उसका भोग लगाते हैं। और इस मंत्र का जैसे ही भोग लगाते हैं, महसूस करिए कि आपके सिर से, आपके रोम रोम में, पूरे शरीर में ओम अंदर की तरफ बहना शुरू हो गया। आपके लेफ्ट ब्रेन में, आपके राइट ब्रेन में हर एक सेल में ओम ही ओम को महसूस करिए। और जैसे जैसे ये ओम बढ़ता जा रहा है, आपके शरीर में जहां भी दर्द है, पूरा का पूरा सिर हील हो चुका है। आपकी आंखों में, आपके फोरहेड में, आपके सिर के पीछे जिस किसी को भी माइग्रेन है, इस ओम को, इस तुलसा मंत्र को महसूस करिए कि 100% वो आपके पेन को हील कर चुका है। हमेशा के लिए आपके शरीर से उस दर्द को प्रणाम करके मुक्त कर चुका है। ये दर्द हमने ही सिलेक्ट किया था अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से। आज इस दर्द को मैं मुक्त करती हूँ इस मंत्र द्वारा, इसकी कैद से इसको मुक्त करती। और जैसे जैसे ये दर्द मेरे शरीर को छोड़कर जा रहा है, मेरा सिर एकदम हल्का, फूल के समान हल्का होता जा रहा है। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने गर्दन में, अपने कानों में, अपनी जीवा में, जहाँ पर भी दर्द है, महसूस करिए ये मंत्र जागृत होता जा रहा है। आज के बाद आपके हर एक सेल में ये मंत्र जागृत हो चुका है। पूरा का पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पर लेकर जाइए और इस मंत्र को महसूस करिए। शोल्डर से दोनों बाजुओं में, कोनी में, हाथों में, अब हाथों की हथेली में इस मंत्र को लेकर जाइए। हाथों की हथेली के सेंटर में महसूस करिए। ये मंत्र
वहाँ जाकर स्पंदन पैदा कर रहा है, अपने हाथों की हथेलियों में उस वाइब्रेशन को महसूस करिए। अब ध्यान अपने फिंगर टिप्स पर लेकर जाइए, आपके हाथों के अंगूठों पर, इंडेक्स फिंगर, सेंटर फिंगर, रिंग फिंगर, द स्मॉलेस्ट फिंगर, इन सब में ये मंत्र जागृत होता जा रहा है। इसके स्पंदन को, इसकी ऊर्जा को महसूस करिए। और जैसे जैसे आपके फिंगर टिप्स में ये जागृत हो रहा है, आपके शरीर का हर एक न्यूरॉन आज हर एक पेन को मुक्त कर चुका है शरीर से। आप उस पेन को प्रणाम करते हैं, उसको मुक्त करते हैं। कब से न जाने उसको बंधन में बांध रखा था, आज उसको मुक्त करते हैं। जैसे ही मुक्त करते हैं, आपका रोम रोम स्माइल करने लग जाता है। आप पूरा का पूरा ध्यान अपने चेस्ट पर लेकर जाइए, आपका चेस्ट, आपका बैक, पूरे के पूरे चेस्ट में, स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके हार्ट में, किडनी में, सब जगह ये मंत्र और ओम ही ओम। उस ओम को महसूस करिए जो वर्षा से, ओम की वर्षा आपके रोम रोम में, आपके हार्ट में, आपकी किडनीज में, आपके लिवर में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओम ही ओम। और ये तुलसा मंत्र आपके हर एक सेल को हील कर चुका है, ऊर्जा को महसूस करिए। ध्यान पूरा का पूरा अपनी पीठ पर लेकर जाइए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इस मंत्र के प्रवाहित होने को महसूस करिए। और ये तुलसा मंत्र आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी हर एक वर्टिब्रा को, मानो आपको एंटी एजिंग, हर एक डीएनए के सेल को, सबको हील कर रहा है। इस मंत्र द्वारा पूरी की पूरी पीठ में, गर्दन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक, ओम को रोम रोम में महसूस करिए। ऐसा महसूस करिए जैसे आपके शरीर के अंदर आज इस तुलसा का पौधा परमानेंटली ग्रो होता जा रहा है। महसूस करिए उसकी टहनियों को, उसके पत्तों को, जो आपके रोम रोम में आज परमानेंटली बसते जा रहे हैं। तुलसा वृक्ष से आपका डीएनए चार्ज होता जा रहा है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। आज के बाद आप कैसे भी माहौल में हो, कैसी भी स्थिति में हो, आपके शरीर में ओम ये तुलसा वृक्ष कोई भी दर्द आने नहीं देगा। आज आप सब दर्दों को मुक्त कर चुके हैं। ध्यान अपने पैरों में लेके जाइए, अपने हिप्स में, अपनी थाइस में, आउटर एंड इनर थाइस, आपके दोनों के दोनों पैरों में, रोम रोम में ओम ही ओम। और तुलसा वृक्ष की जड़ें, इसका मंत्र आपके रोम रोम को हील कर रहा है। आपकी दोनों टांगों में से दर्द हमेशा के लिए आजाद हो चुका है। उस दर्द को प्रणाम करती हूँ।
जिसको आपने न जाने कितने जन्मों से कैद में रखा था, आज उसको धरती माँ को देती है और वो माँ अपने आंचल में संजो लेती है। अपना ध्यान अपनी नीज पर लेकर जाइए और इसमें ओम को परमानेंटली इंस्टॉल कर लीजिए। ओम ओम साथ में तुलसा जी की एनर्जी को महसूस करिए और अपने दोनों घुटनों को प्रेम भेजिए। मन में महसूस करिए कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और मजबूत घुटने हैं, उनको प्रणाम करिए। अब ध्यान पूरा का पूरा अपनी पिंडलियों में, लोअर लेग्स में लेकर जाइए। मंत्र वाइब्रेट कर रहा है आपके पैरों में। ये पैर जो जब से हमने जन्म लिया निरंतर काम कर रहे हैं, प्रगतिशील हैं। आज ये ओम से, तुलसा जी के मंत्र से चार्ज हो चुके हैं। आज के बाद मैं जितना काम करूंगी, जितना चलेंगे, उतना ही मैं शक्तिशाली, उतनी ही हीलिंग, उतना ही प्रेम, उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही शक्ति महसूस करूंगी। ये मंत्र आपके हर एक सेल को, आपके पैरों की तली में इस मंत्र को महसूस करें। पैरों की तली जहाँ पर हमारे समस्त शक्ति उजागर हो सकती है। आज से इन पैरों की तली के बीच में से ये ओम हमेशा मेरे समस्त शरीर में, समस्त हड्डियों में, समस्त नाड़ियों में प्रवाहित होता रहेगा। पैरों की उंगलियों में ध्यान लेकर जाइए, अंगूठे में राइट फिंगर, टॉल फिंगर, रिंग फिंगर, सबसे छोटी उंगली, सब में ओम ओम ओम, मानो नखूनों के अंदर ओम घुस रहा है। आपके पैरों की उंगलियों की जो स्किन है और उसके नेल्स के बीच में ओम को महसूस करिए, तुलसा के मंत्र को महसूस करिए। पूरा का पूरा ध्यान पैरों में और पैरों से लेकर शिखर तक, जहाँ पर हमारी बोधी होती है, चोटी होती है, वहाँ तक महसूस करिए कि ओम ही ओम बस चुका है। इस वर्षा से, इस भीगने से ओम मेरी सांसों में तो बसा ही था, पर अब मेरे रोम रोम में मैं उसके दर्शन महसूस कर सकती हूँ। इस मंत्र को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ अपनी अंतर चेतना को, प्रणाम करती हूँ सभी सोल्स को जो हील हो चुके हैं। महसूस करिए कि आपका शरीर एकदम हल्का, एकदम हल्का, एकदम हल्का हो चुका है। ये पीड़ा, ये दर्द जिन्होंने मेरे शरीर को भारी कर रखा था, आज हम उनसे मुक्त हो चुके हैं और वो हमसे मुक्त हो चुके हैं। आज के बाद जो वृक्ष, जो तुलसा का पौधा मेरे शरीर में उग चुका है, मेरे को हर पल हील कर रहा है, हर सेकेंड हील कर रहा है। महसूस करिए, इस मंत्र को बहने दीजिए। अब ध्यान पूरा पैरों में, पैरों की तली में। अब ध्यान को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, घुटनों तक, पिंडलियों में। फिर से ये मंत्र, ओम नमः तुलसाय नमः। ये मंत्र आपको नीचे से ऊपर तक हील कर रहा है। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने घुटनों में, अपनी जंघाओं में,
अपनी आउटर थाइज में, अपने हिप्स में इस मंत्र को महसूस करें, इस वृक्ष की शक्ति को महसूस करें। ध्यान ऊपर की तरफ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके कॉल पैटर में, आपके लिवर में, और ध्यान और ऊपर की तरफ आता हुआ आपके हार्ट में, आपकी किडनीज में, सब छका ये मंत्र। जैसे जैसे ध्यान ऊपर की ओर आ रहा है, आपके हथेलियों में, हाथों की उंगलियों के फिंगर टिप्स में, स्किन के जो नेल्स के नीचे स्किन है उसमें इस मंत्र को महसूस करिए, आपके शोल्डर्स में। जैसे जैसे ये ओम ओम और ओम आपके रोम रोम में जागृत हो चुका है, आपके शरीर के अंदर महसूस करिए एक बहुत ब्राइट और विशाल लाइट चक चुकी है, मानो 700 ट्रिलियन वोल्ट्स का करंट जागृत हो चुका है। पूरा का पूरा सिर, डीएनए सब हील हो चुका है, सारे पेन्स को आप मुक्त कर चुके हैं और सारे पेन्स आपको मुक्त कर चुके हैं। पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पर, बाजुओं में, अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, अपने मेड्यूला में जो गर्दन के पीछे की तरफ है, महसूस करिए कि आपकी थर्ड आई में और आपके सिर के ऊपर, मतलब फोरहेड में, गहरी सांस के साथ धन्यवाद करिए अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, इस वेन्यू का, सारे एंजल्स का, इस प्रकृति का, धन्यवाद धन्यवाद शुक्राना। सबका मंगल हो, जिस माता ने जन्म दिया उसका मंगल हो, पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे, जल में थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठ ही टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मुक्ति समोए रे। गहरी सांस के साथ आज उस ओम को प्रणाम करिए, उस तुलसा वृक्ष को प्रणाम करिए, इस मंत्र को प्रणाम करिए, जिसने ये यज्ञ रचा उसे प्रणाम करिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। हाथों को रब करेंगे, पूरे के पूरे शरीर पर मस लेंगे, पूरे के पूरे शरीर पर मस लेंगे, राम
से बैठे रहे। जबान करेगा तभी आंखें खोलेगी, नहीं तो उस मंत्र को अपने अंदर बसने दीजिए, बसने दीजिए। Sorry.